हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब स्पोर्ट आर्टिस्ट चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट है वो आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसके कि दोस्तों आप चुटकी बजाते ही दोस्तों आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। फटाक से दोस्तों आप उस वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हो और आप दोस्तों उस छत्तीसगढ़ बोर्ड का आप बड़ी आसानी से रिजल्ट देख सकते हो। मोबाइल से दोस्तों आप रिजल्ट देख सकते हो। 2 मिनट में आप अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जानते रहें कि रिजल्ट कैसे चेक करना है और आप सब आपको यानी कि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट जैसा कि आपको पता ही घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर यूज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर न्यू टैब ओपन करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू टैब ओपन करोगे तो दोस्तों आपके सामने जो ये ऑप्शन हो रहा होगा सर्च और एंटर सर्च और टैब वेब एड्रेस, तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे करना होगा क्लिक। तो दोस्तों, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको HTTP फिर .. फिर / डाल के आपको CGBSE.NIC.IN/ डाल देना। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये टाइप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, गो वाले आइकन पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर लिखा है छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन रायपुर, ठीक है। यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। आपको यहां पर क्या करना है कि आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आओगे तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी कॉर्नर, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है कि आपको यहां पर दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहां पर आपको परीक्षा परिणाम प्रवेश पत्र, आपको यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन है यहां पर विद्यार्थी कॉर्नर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर परीक्षा परिणाम का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हाई स्कूल में परीक्षा करते हो यानी कि आप हाई स्कूल में पढ़ते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर हाई एंड सेकेंडरी स्कूल परीक्षा परिणाम देख सकते हो उस पर आपको क्लिक करना। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम पे आप क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको 2018 के मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा है न्यू हाई स्कूल परीक्षा परिणाम, यहाँ पर न्यू लिखा है यानी कि यहाँ पर आप 2018 और 2019 का भी रिजल्ट देख सकते हो। आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हाई स्कूल परीक्षा परिणाम पर करना होगा क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर ऑप्शन आएगा मुख्य परीक्षा, ठीक है। आपको यहां पर ठीक जस्ट मुख्य परीक्षा वाली ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर करोगे क्लिक, आप यहाँ पर जूम करके यहाँ पर आपको अपना एंटर अपना रोल नंबर डाल देना। आपको अपना रोल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर कैप्चा का ऑप्शन आएगा। आपको जो साइड में ये नंबर लिखा है आपको वो फिल कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ और मैं यहाँ पर उस स्कूल में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी A to Z एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप भी यहाँ पर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23,20,313, मैं यहाँ पर ये रोल नंबर डाल देता हूँ। ये रोल नंबर गलत हो सकता है, ये मेरे राजस्थान का रोल नंबर है क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा रोल नंबर नहीं है जो छत्तीसगढ़ का हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि कैप्चा में ये जो इन्होंने बताया है हम यहाँ पर कैप्चा में डाल देते 15,51,32, चलिए हम यहाँ पर 15,51,32 डाल देते। उसके बाद आपको यहाँ पर अब आपको रिजल्ट देखने के लिए फाइनली क्या करना होगा कि आपको थोड़ा जूम करके यहां पर आपको जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको जो सबमिट वाले ऑप्शन पे करना होगा क्लिक। चलिए हम दोस्तों यहां पर सबमिट वाले ऑप्शन पे कर देते हैं क्लिक। यहां पर क्या है कि दोस्तों ये जो रिजल्ट यहां पर अन उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम क्रेडिट योजना के तहत पूर्ण वर्ष परीक्षा पात्रता अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिजल्ट अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि ये जो मेरा रोल नंबर था ये गलत था। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, आप यहाँ पर अपना छत्तीसगढ़ का रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर है आप डाल के यहाँ पर आसानी से दोस्तों आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हो। दोस्तों, ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा रिजल्ट देखने का। 2 मिनट में आप मोबाइल से रिजल्ट पता लगा सकते हो। वीडियो
अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको पंजाब बोर्ड का रिजल्ट कैसे देखें, उसके बाद हम राजस्थान का बोर्ड का रिजल्ट बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।